उसका आता जब भी किए जाते हैं तो उसमें से 100 प्रोफेसर ही आपके विश्वविद्यालय में आए, तभी उनका सदस्य बनते टाइम बाउंड और इंटरनल प्रमोशन से सोच क्यों बिहार रिसर्च में पूछा होगा उसका रीजन भी जिस दिन बिहार के इंस्टीट्यूट में जो रीजन हो जाएगा कि प्रमोशन वन फॉर्म हो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हो उसी से सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हो तो सो तुरंत बढ़ता है क्योंकि सभी को मालूम है कि घर घर बाएं बाएं किया आगे पीछे किया प्रोफेसर दैट इज द रीजन जो बिहार में प्रतिभा रखते हुए इस बार में जो आदमी पर फोकस हो रहा है यस नो कैलेंडर टू डेवलप हिमसेल्फ जो बस कैलेंडर लेकिन जो इजी पाथ है तो आप क्यों उस पर अपने आप को प्रेशर में लेंगे और रिसर्च करेंगे जब नहीं है तो पुस्तक को पहचाना तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ आगे जाने लेवल में चुप भी गए। दूसरा मुझे खुशी है कि हमारे जो यहाँ स्टाफ थे और 5 साल तक रहे उन्होंने अपने समय के लिए हुए कार्यों को बताया ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल जरूर मिथिला इंडस्ट्री अपने स्टेट पर स्टेट बढ़ा है। उन्होंने जो ऐसा आदमी के बारे में बताया है कि क्या आइडिया है मैं हाँ वो देखना चाहते हैं मिथिला इंडस्ट्री तो उसका जवाब नहीं दूंगा मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपने काम में किए गए काम से जो बहुत संतुष्ट है। जो सबसे विचारणीय विषय जो कभी हमारे लिए प्रकृति में रखा वो था भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में। उन्होंने कई उदाहरण दिया और बताया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसे सर्वोत्तम है। तो जहां तक मेरा अपना मानना है एनडी 2020 इसकी जननी पहले क्या हुआ उसमें नहीं जाना है अभी विचारधारा की सरकार रहती है जो पहले की भी सरकार थी वो तत्कालीन घटनाक्रम और तत्कालीन परिस्थिति से उन्होंने अपना काम बढ़ाया जैसे तो डिसाइड करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ लेकिन आजकल वो जो चर्चा में हमेशा रहने के जवाहरलाल नेहरू और फैसला इस परिवेश से हमें बचना हमें किसी को क्रिटिसाइज करके अपने आप को ऊंचा नहीं दिखलाना आप एक लंबी लाइन खींचे जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो उस समय देश में 44,000 रुपये की संपत्ति थी और उनने उस व्यक्ति ने इतना बड़े देश को इतनी परिस्थिति में संभाल लिया ये बहुत बड़ी बात देश को जहां तक लाया गया उसके बाद मान लिया दूसरे विचार आ रहा कि लोग काम कर रहे हैं तो उससे ऊपर उठे उस जहां तक लाया गया नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह से जो बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज के मेरे द्वारा प्रश्न ओपिनियन है कोई भारत में न हुआ न हो पाया तो ये अपनी अपनी विचारधारा चूंकि अंतिम लक्ष्य विद्या का जो बाहर व्यक्ति जब भी आपके सर्वोच्च चयन पर बैठेगा उसको अपने वो नहीं सोच डेवलप होगा कि भारतीय परंपरा का वो विनोद है नहीं डेवलप तो भारतीय शिक्षा परंपरा के में हमारा ये मानना है कि ये विश्वविद्यालय लगभग प्रयास करता है कि वो उसी रास्ते से चले हम लोग सिंडिकेट के रेगुलर बैठक बुलाते हैं कोई भी फैसला में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन में जो मैक्सिमम आउटपुट आता है
वही नियत कोशिश की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी है और रही बात कि हम चाणक्य और चंद्रगुप्त फैसला करें तो वो बिल्कुल कह सकता है। आप बच्चे जो पढ़ते हैं वो किसी को चाणक्य मानने की तैयारी नहीं है, आपको इसको स्वीकारना होगा क्योंकि गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी जो थे वो 24 घंटा अपने गुरु जी के साथ रहते थे। आप गुरु जी का स्थान मोबाइल और इंटरनेट ने ले लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आप स्टूडेंट्स किसी को चाहत के माने और हम किसी को चंद्रगुरु बनाए। हम उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनके सोच को डेवलप कर सकते हैं। विश्व में कैसे हम विश्वगुरु बने ऐसा हमें आयाम देके बताने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति में ये बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम कुछ करें न करें अपने कार्यकाल एकेडमिक उदाहरण जरूर बने और हम भी अलग अलग हम ये अपेक्षा करेंगे कि केवल प्रमोशन लेना